वंस अपॉन ए टाइम। अच्छा, ये जैसे ही शब्द आता है तो अपने को ये एहसास होता है कि ये कहानी टाइप में है, जैसे वंस अपॉन ए टाइम या वंस देयर वाज ए, ठीक है ना, ये आता है तो अपने को लगता है वो कहानी टाइप में, तो ये भी एक कहानी टाइप में है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय, देयर वाज ए मैन, एक व्यक्ति था। यहाँ पर भाई देयर का मतलब होता है वहाँ पर, कहाँ पर, अब यहाँ पर देयर का मतलब नहीं लगा। और जो भी कोई कहानी वगैरह होती है जो अपन वहाँ से यही शुरू करते हैं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए, या वंस अपॉन ए टाइम या वंस देयर वाज ए, तो वहाँ पर देयर का मतलब वहाँ क्यों नहीं लगता है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय, देयर वाज ए मैन, एक व्यक्ति था, हु वेंट, जो जाता था, अराउंड, चारों तरफ, सेलिंग, बेचने के लिए या बेचते हुए, स्मॉल, छोटी, रैट ट्रैप्स, चूहेदानियाँ, ऑफ वायर, तार की, जो तार होते हैं ना उनकी जो छोटी छोटी जो चूहेदानियाँ थी वो बेचने के लिए वो चारों तरफ जाता था। जैसे कि वो कैप सेलर एंड द मंकी में था ना, ही वेंट टू सेल हिज कैप्स टू विलेज, वह अपनी टोपियाँ बेचने के लिए गांव गांव जाता था। तो यह भी अपनी जो चूहेदानियाँ थी ये बेचने के लिए चारों तरफ, यानी कि अपने मूल स्थान से जो उसका घर था वहाँ से वह चारों तरफ जाता था या गांव गांव जाता था। ही मेड, वह बनाता था, डैम, उनको, हिमसेल्फ, स्वयं, वह उनको स्वयं बनाता, यानी अगर वह किसी से बनी बनाई लेकर के आया और फिर बेच रहा है, यदि ऐसे ही काम ऐसा काम करेगा तो फिर उसको जो प्रॉफिट है वो बहुत कम होगा, ठीक है ना। ही मेड देम हिमसेल्फ, वह उन्हें स्वयं बनाता था, एट ओड मोमेंट्स, ओड मोमेंट्स का मतलब अपने जो विचित्र क्षण होते थे या जब वह खाली समय होता था उसमें, पर बाकी समय में तो क्या करता था, वो बेचने के लिए जाता था, जब वह खाली समय होता था तो वह उसको क्या करता था, स्वयं बनाता था। अच्छा, किससे बनाता था, फ्रॉम द मटेरियल, मटेरियल का मतलब सामग्री या पदार्थ, ही गोट, वह पाता था, बाई बैगिंग, भीख मांग करते, और वह वो सामान भी जिससे वह चूहेदानियाँ बनाता था वो सामान भी क्या करता था, वो भीख मांग करके प्राप्त करता था। इन द स्टोर्स, स्टोर्स का मतलब दुकानें, दुकानों में वो जो जिससे चूहेदानियाँ बनाता था वह सामान भी वह भीख मांग करके प्राप्त करता था। इसका मतलब उसे पैसे नहीं देने पड़ते थे उन सामान के भी, जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ, तो कच्चे पदार्थ के भाई पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वह उन तारों के पैसे नहीं, क्योंकि भीख में अपन पैसे को देते, कोई अगर भीख में कोई चीज़ मिलती है तो वह उनको दुकानों से भीख मांग करके प्राप्त करता था। और या एट द बिग फार्म्स, या जो बड़े बड़े जो फार्म होते थे, खेत होते थे वहाँ से, या तो वो जो बड़े बड़े फार्म होते थे उनसे प्राप्त करता था, या फिर कुछ दुकानें होती थी वहाँ पर वह भीख मांग करके क्या करता था, वो जो सामग्री थी उनको प्राप्त करता था। बट एवन सो, लेकिन फिर भी, यानी कि ऐसा होने के बावजूद भी, द बिजनेस, जो व्यवसाय था, वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, वो विशेष रूप से लाभकारी नहीं था। यानी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, कच्चा पदार्थ फ्री में मिलने के बावजूद भी, उसका जो व्यवसाय था, व्यापार था, वो लाभकारी नहीं था, यानी कि उसमें हमेशा घाटे का सौदा ही रहता था। सो इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट, इसलिए उसने काम में लेना पड़ गया या काम में लेता था। वह हैड टू आ गया, ये फ्रेजल वर्ब है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैज टू और हैव टू है भाई ये प्रेजेंट में, जिसको मतलब होता है मजबूरी में, और हैड टू का मतलब मजबूरी में होता है लेकिन वो पास्ट में, ठीक है ना। हैज टू और हैव टू का मतलब होता है मजबूरी में लेना, ठीक है ना, और हैड टू का मतलब मजबूरी में लेता था, ठीक है ना। सो इसलिए ही हैड टू, वह मजबूरी में लेता था, रिसोर्ट, काम में, टू बोथ, दोनों चीज़ें, इसलिए उसे मजबूरी में दोनों प्रकार की चीज़ें काम में लेनी पड़ती थी। और दोनों प्रकार की चीज़ें कौन सी, एक तो क्या, बैगिंग, एक तो वो भीख मांगना शुरू करता था,
एंड पीटी थ्रेवरी और छोटी मोटी चोरियाँ। वैसे उसको भीख मांग करके चीज़ मिल रही है, फिर भी उसका जो धंधा है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसने छोटी मोटी जो थ्रेवरी थी यानी कि चोरियाँ थी वो भी करनी शुरू कर दी। तो दोनों चीज़ हो गए ना, जहाँ पर भीख मिल जाए वहाँ पर तो ठीक है, जहाँ पर नहीं मिले उस छोटी मोटी चोरी कर करके। और वो चोरी भी किसकी करता था, केवल ये जो तार वगैरह है जिससे चूहेदानी बनती थी ना, इसकी करता था और किसी की नहीं, छोटी मोटी चोरी करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टूगेदर, ये पूरा का पूरा एक फ्रेजल वर्ब है, इसको भी समझेंगे। टू कीप रखने के लिए बॉडी शरीर को, एंड सोल और आत्मा को, शरीर और आत्मा को टुगेदर एक साथ, शरीर और आत्मा को एक साथ कैसे रख सकते हैं भाई, जीवित रहने के लिए, भरण पोषण पालन पोषण करने के लिए। तो आगे समझ में, ये कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है अपना जीवन जीने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए वह क्या करता था, छोटी मोटी चोरियां करता था और भीख मांगने का काम करता था। एवं सो, और फिर भी, यानी कि देखो पहले तो वो केवल भीख मांग करके प्राप्त करता था, फिर भी उसका काम धंधा था वो लाभकारी नहीं था। इसके बाद फिर उसने छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी और उसके बाद भी उसका जो काम धंधा था वो प्रॉफिटेबल नहीं था। एवं सो, फिर भी, हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े, वर थे इन रैग्स, फटे पुराने। जैसे रैग पिकर से रैग्स बना है, रैग पिकर का मतलब कूड़ा करकट उठाने वाले, और कूड़ा करकट उठाने वाले के कपड़े देखे होंगे आपने, ठीक है ना, तो रैग्स का मतलब फटे पुराने। और इसके बावजूद भी उसके जो कपड़े थे वो क्या थे, फटे पुराने कपड़े थे। हिज चिक्स, उसके जो गाल थे, वर्षंकन, वो दसे हुए थे, कैसे ना, दसे कमजोरी की वजह से, कमजोरी की वजह से जिसको गाल पिचके हुए बोलते, उसके जो गाल थे वो दसे हुए थे। एंड हैंगर, हैंगर का मतलब भूख, ठीक है, हैंगरी का मतलब तो भूखा होता है भाई, ठीक है, हैंगर भूख। ग्लीम्ड, दिखाई देती थी, चमकती थी, इन हिज आईज, उसकी आंखों में, आंखों में तो नींद दिखाई देती है, आंखों में भूख कहां से दिखाई देने लगी भाई। नो वन कैन इमेज, कोई भी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है, हाउ सैड, कितना दुखी, एंड मोनोटोसियस, और उदास या नीरस, लाइफ, जीवन या जिंदगी, कैन अपीयर, प्रकट हो सकती है, दिखाई दे सकती है, टू सच, इस प्रकार के, ए वगाबोंड, घुमक्कड़, घुमक्कड़ जो आदमी होते हैं उनकी, और कोई भी आदमी यह कल्पना नहीं कर सकता है कि इस प्रकार का जो वगाबोंड, वगाबोंड का मतलब तो घुमक्कड़, ठीक है ना, जो इधर उधर घूमता रहता है, इस प्रकार के आदमी की जिंदगी कैसे हो सकती है, इस प्रकार के आदमी की जिंदगी कैसे हो सकती है, तो कोई भी आदमी इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। आज वो यहाँ पर है, कल वो कहीं पर और कहीं मिलेगा, फिर वो अगले दिन कहीं पर और मिलेगा, घूमता रहता है, जहाँ वैसे अपना पेट भरा अगले स्थान पर, उससे पेट भरा अगले स्थान पर, तो ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। हु प्लोड्स, प्लोड्स का मतलब यात्रा करता रहता है, घूमता रहता है, अलोंग द रोड, सड़क के सारे सारे, सड़क के किनारे, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सड़क के किनारे क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं भाई। उनको क्या है, उनको अपने को दो टाइम की रोटी चाहिए, वो मांग तांग करके खा लेंगे, ठीक है ना, आगे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, जहाँ उनको रहने के लिए कुछ ऐसा लगेगा कहाँ यहाँ पर रह सकते हैं, वहाँ पर अपनी दोपहर बिताए, रात बिताए, फिर आगे, ठीक है, तो वो सड़क के किनारे किनारे क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेफ्ट, छोड़ देते हैं, टू हिज ओन मेडिटेशन, अपना स्वयं का ध्यान, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान या विचार, और वो अपने स्वयं का विचार छोड़ देते हैं कि भाई तू क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्या करते रहते हैं, सड़क के सारे सारे चलते रहते हैं। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन, यह व्यक्ति कौन, जो रेड ट्रैप चूहेदानी बेचता था, वो हैड फॉलन, गिर गया, डूब गया, इनटू ए लाइन, विचारों में, एक पंक्ति में, लेकिन एक दिन यह व्यक्ति इस प्रकार के विचारों में गिर गया, या इस प्रकार के विचारों में डूब गया, ऑफ थॉट, विचार,
इस प्रकार के विचारों में डूब गया, ठीक है ना, यानी कि अपने ही विचारों में क्या हो गया, डूब गया, यानी कि वो विचार करने लग गया। विच रियली, जो वास्तव में सीम्ड प्रतीत होते थे टू हिम, उसको एंटरटेनिंग, मनोरंजन, और वो विचार, एक दिन वो विचार करने लग गया और वो विचार वास्तव में उसको कैसे दिखाई दिए, मनोरंजन, यानी कि कुछ दिलचस्प दिखाई दिए। अब वो उसके माध्यम से ही आगे का जीवन यापन करने की सोच रहा है। इससे पहले वो कोई सोच विचार नहीं करता था, ठीक है, लेकिन एक दिन वो सोच विचार करने लग गया, और जैसे वो सोच विचार करने लग गया तो वो जो सोच विचार थे, जो उसने विचार रखे थे, वो उसको अच्छे या दिलचस्प या मनोरंजक दिखाई दिए उसको, यानी यदि जीवन ऐसा हो जाए तो कैसा हो। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, वह स्वाभाविक रूप से सोच ही रहा था ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, अपने चूहेदानियों के बारे में, और वह जर्नली या स्वाभाविक रूप से अपने चूहेदानियों के बारे में सोच ही रहा था, यानी कि एक दिन उसे दिमाग आया ना, विचार किया, तो वह एक दिन उसके पास जो चूहेदानियाँ थी उसके बारे में वह सोच ही रहा था। वहन सडनली, जब अचानक, He was struck, उसे अचानक by the idea, विचार आया। तो वह एक दिन सोच ही रहा था कि अचानक क्या आया, एक विचार आया, या उसके विचार मन में आया, और क्या आया, दैट कि द होल वर्ल्ड, सारा संसार, अबाउट हिम, उसके आसपास था। यहाँ पर अराउंड हिम आना चाहिए था लेकिन अबाउट हिम कर दिया, ठीक है ना, तो अबाउट हिम, उसके आसपास का, कि जो भी संसार है, जो उसके आसपास है, वो सारा का सारा संसार क्या है, द होल वर्ल्ड, और सारा संसार, विद इट्स लैंड, इसकी सभी भूमि, यानी कि संसार पर जितनी भी भूमि है वो, एंड सीज, और समुंदर हैं वो, यानी कि अब समुंदर और पृथ्वी के अलावा क्या बचा संसार में, कुछ भी नहीं बचा, या तो समुंदर मिलेगा या पृथ्वी मिलेगी भाई, तो जितनी भी भूमि है वो, और जितना भी समुंदर है, सागर महासागर हैं वो सारे, इट्स सिटीज, इसके शहर, एंड विलेज, और इसके गांव, यानी कि इसके शहर हैं और जो गांव हैं वो क्या हैं, वाज नथिंग, कुछ नहीं था, बट ए बिग रैट ट्रैप, लेकिन क्या है, एक पूरी की पूरी क्या है, बड़ी चूहेदानी। एक दिन उसके दिमाग में विचार आया कि इसके आसपास का जो संसार है, पूरा का पूरा जो संसार है, जिसमें समुद्र भी आ लिए, भूमि भी आ ली, गांव भी आ लिए, शहर भी आ लिए, ये कुछ नहीं है, बल्कि स्वयं क्या है, एक बड़ी चूहेदानी है। मेरे पास जो चूहेदानी है वो क्या है, छोटी है, और जो संसार है ये क्या है, एक बड़ी चूहेदानी के समान है। और हकीकत में जो संसार है ना, ये एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। तो उसने भी क्या काम किया, बोलिए, संसार कुछ नहीं, एक बड़ी चूहेदानी के समान है। इट हैड नेवर एग्जिट, इसका कभी अस्तित्व नहीं था, या इससे कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं, फॉर एनी अदर पर्पज, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए, और इस उद्देश्य के लिए या किसी उद्देश्य के लिए अपन इससे बाहर नहीं निकल सकते, यानी कि इसमें ही क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इट हैड नेवर एग्जिट फॉर एनी अदर पर्पज, इसका कभी उचित रूप से कोई उद्देश्य नहीं था, या इसको उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपन कभी बाहर भी नहीं निकल सकते। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, तो बाहर भी नहीं निकल सकते। देन टू सेट बैट्स, तलाश करने के लिए, फॉर पीपल, लोगों की, और लोगों की तलाश करने के लिए अपन ये जो बड़ी जो रेड ट्रैप है इससे बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि इसमें क्या है, लोग मिलते रहते हैं। तो ये जो संसार रूपी जो रेड ट्रैप है, चूहेदानी है, इसमें लोगों को तलाश करने के लिए अपन इससे बाहर नहीं निकल सकते। इट ऑफर्ड, यह प्रस्ताव देता था, ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव देना, ऑफर्ड देता था, रिचेज, धनवान लोगों को, एंजॉय, और आनंद। और इसमें ही क्या है, ये जो बड़ी जो रेट ट्रैप है, संसार रूपी जो बड़ी रेट ट्रैप है, इसमें ही क्या है, बहुत सारे धनवान आदमी हैं, जॉय, आनंद भी हैं, शेल्टर,
शरण भी है यानी कि निवास स्थान भी है, एंड फूड और भोजन भी है, हीट गर्मी भी है, एंड क्लोथिंग और कपड़े भी हैं। यानी कि इस संसार रूपी जो चूहेदानी है इसमें सब कुछ है, धनवान आदमी भी रहते हैं, आनंद भी मिलता है, शेल्टर शरण यहाँ पर शरण का मतलब मकान वगैरह भी मिलते हैं, फूड भोजन भी मिलता है, हीट गर्मी यहाँ पर उष्मा एनर्जी वो भी मिलती है, एंड क्लोथिंग और कपड़े भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। एग्जैक्टली ठीक वैसा ही एज जैसे कि द रैट ट्रैप चूहेदानी ऑफर्ड प्रस्ताव देती है चीज, चीज का मतलब पनीर, जैसा कि जो चूहेदानी है ना वो पनीर देती है, एंड पोर्क, पोर्क का मतलब सुअर का मांस, पोर्क का मतलब है सुअर का मांस, एंड एज सून एज और जैसे ही, यानी कि इन चीज़ों को देख करके जैसे ही एनीवन कोई भी आदमी लेट हिमसेल्फ बी अपने आप को देता है टेम्प्टेड लालच में, और इन वस्तुओं को देख करके कोई भी व्यक्ति अपने आप को लालच दे देता है या लालच में गिर जाता है, टू टच इसको छूने के लिए द बेट, बेट का मतलब लालच की चीज़ें, और यहाँ पर लालच की चीज़ें कौन सी, भोजन, तो उसके लिए तो भोजन ही चूहे के लिए तो, और जैसे ही कोई व्यक्ति इस लालच की चीज़ों को छूने की कोशिश करता है या इस लालच की चीज़ों को पाने की कोशिश करता है या इस भोजन को जो चूहेदानी में जो लटका हुआ है जो रखा हुआ है उस भोजन को प्राप्त करने की क्या करता है, कोशिश करता है, इट क्लोज यह बंद हो जाती है इन इसमें ओन ही मुझको, तो यह उसको अपने अंदर ही क्या कर लेती है, बंद कर लेती है, जैसे उसको छूने की क्या करेगा, कोशिश करेगा तो वह चूहेदानी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, चूहा उसको सूंघता हुआ या उसको देख करके और जैसे उसके अंदर प्रवेश करता है और उसको छूने की कोशिश करता है तो तुरंत क्या हो जाती है, वो बंद हो जाती है। और अपन भी यदि उसको लेने की कोशिश करते हैं, छूने की कोशिश करते हैं तो अपन भी क्या हो जाएंगे, उसमें बंद हो जाएंगे। देखो संसार रूपी जो पूरा का पूरा संसार, इसको बड़े चूहेदानी बोला गया है, ठीक है ना, और अपन सारे क्या हैं, चूहे हकीकत में। अब वो असली जो चूहेदानी होती है वो छोटी होती है, चूहा उसमें प्रवेश कर जाता है, तो कोई भी लालच की चीज़ों को अपन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो अपन उसमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं भाई। एंड देन और तब एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ का केम टू एन एंड अंत हो जाता है, और जैसे अपन उसमें फंस जाते हैं तो जो भी अपने पास जो चीज़ थी उसका सबका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक चीज़ का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। उसे लालच की चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपने पास भी जो कुछ था उसको अपन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और उस लालच न तो वो चीज़ मिली, ठीक है ना, और न अपनी चीज़ मिली, तब अपन बिल्कुल क्या हो जाते हैं, अक्कड़ महात्मा नेत्र हो जाते हैं। द वर्ल्ड संसार हैड, ये सहायक क्रिया भाई, द वर्ल्ड संसार हैड ऑफकोर्स निसंदेह रूप से नेवर बीन वेरी काइंड, कभी दयालु नहीं हो सकता है टू हिम उसके प्रति। अब जब कोई व्यक्ति उस चूहेदानी में फंस जाता है तो जो संसार है वो उसके प्रति कभी भी दयालु नहीं हो सकता है। इससे पहले वो चाहे कितना ही अच्छा व्यक्ति क्यों न हो और यदि उसने एक बुरा काम कर दिया तो लोग बाग उसको क्या कर देंगे, अरे वास्तव में ये क्या था, बुरा व्यक्ति, उसकी अच्छाई को फिर कोई नहीं देखेगा, उसकी फिर केवल बुराई कहेंगे, ठीक है। तो संसार है वो कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं बन सकता है, ये नहीं कि भाई ये सच्चा अच्छा व्यक्ति था यार इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, अरे इसने तो गलती से ये काम कर दिया, नहीं, जो फंस गया तो फंस ही गया भाई। तो संसार कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं बन सकता है। सो इसलिए इट गेव हिम, इसने उसको दिया अनवॉन्टेड अजीब सा जोय आनंद, टू थिंक इल बुरा सोचने के लिए, ओफिट इस तरीके से इन दिस वे, ओफिट इसका इन दिस वे इस तरीके से, और इस तरीके से उसने इसको बुरा सोचने का क्या दिया, समय दिया। सो इसलिए इट गेव हिम, इसने उसको दिया अनवांटेड अजीब सा जोय आनंद, टू थिंक इल बुरा सोचने के लिए, ओ फिट इसके बारे में इन दिस वे इस तरीके से। इसका मतलब
संसार इस तरीके से उसके बारे में क्या करने लग जाता है, बुरा सोचने लग जाता है। खूब कितना ही अच्छा व्यक्ति क्यों न हो, यदि एक बार वह बुरा काम कर देता है और सभी के नॉलेज में आ जाता है तो वो व्यक्ति सब व्यक्तियों की निगाह में, सब व्यक्ति की दृष्टिकोण में क्या हो जाता है, वो बुरा हो जाता है। फिर चाहे वह अपनी कितनी ही सफाई देने की कोशिश क्यों न करे, फिर बाद में वो कितना ही अच्छा काम करने की कोशिश क्यों न करे, सब व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचने लग जाएंगे, बुरे सोचने लग जाएंगे। तो यही इसके बारे में है। उस लालच की चीज़ को प्राप्त करने के लिए चूहेदानी में प्रवेश कर जाता है और वह फंस जाता है। फिर से वो कितना ही कोशिश क्यों न करे, कितना ही शोकन क्यों न करे, वह आगे से तो ऐसी लालच की चीज़ को नहीं प्राप्त करूँगा, वह उससे बाहर नहीं निकल सकता है। इट बिकेम, यह बन गया ए चेरिश्ड पास टाइम, उसका इच्छित मनोरंजन या समय व्यतीत करने वाला। इट बिकेम, यह बन गया ए चेरिश्ड, चेरिश्ड का मतलब इच्छित, जो इच्छा में आई, पास्ट टाइम मनोरंजन ऑफ हिज उसका। और अब यह उस चूहेदानी के अंदर ही अपना क्या करता है, मनोरंजन रूप से अपना समय व्यतीत करता है। यानी कि जब तक उसको मार नहीं दिया जाता है, तब तक उसको पनिशमेंट नहीं मिलता है, तब तक वह उस चूहेदानी के भीतर ही रह करके अपना जो समय है वो क्या करता है, व्यतीत करता रहता है। और अपनी इच्छा के अनुसार जैसा वो चाहे उस प्रकार से वो व्यतीत कर सकता है। अब चूहा है, उसको चीज़ को और पोर को प्राप्त करने के लिए उस चूहेदानी में प्रवेश कर गया भाई, ठीक है। प्रवेश करते ही चूहेदानी क्या हो गई, बंद हो गई। अब वह उसके अंदर ही अपना समय व्यतीत करेगा। अच्छा, जब उसके अंदर व्यतीत करेगा तो क्या लालच की जो चीज़ें थी उसको खाएगा, वो कभी नहीं खाएगा। उससे बाहर निकलने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। और जब नहीं निकला जाता है तो वो उसके अंदर ही क्या करता रहता है, वो घूमता रहता है। लेकिन फिर भी वो जो जिस चीज़ के लिए वो अंदर गया था उसको कभी प्राप्त नहीं कर। सेम इसी प्रकार से जो व्यक्ति हैं वो भी ऐसा ही होता है, यदि किसी बुरे काम के लिए बाहर अंदर चला जाता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। फिर वो अपने तरीके से अपना समय व्यतीत करना पड़ता है उसको। ड्यूरिंग मैनी डेरी प्लोडिंग, ड्यूरिंग के दौरान मैनी बहुत सारी डेरी नीरस प्लोडिंग यात्रा, और वह अब नीरस प्रकार की क्या करता रहता है, यात्रा, उबाऊ यात्रा करता रहता है। यानी कि वह इधर उधर क्या करता रहता है, घूमता रहता है। ड्यूरिंग के दौरान मैनी बहुत सारी डेरी नीरस प्लोडिंग यात्रा, और वह जो नीरस जो यात्रा है वो करता रहता है। टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचता है। टू थिंक सोचता है ऑफ पीपल, लोगों के बारे में, ही न्यू जिनको वह जानता था, और जिन व्यक्तियों को वह जानता था उसके बारे में सोचता है। हु हैड लेट देम सेल्वेज बी कोट, हु जो हैड लेट देम सेल्वेज, स्वयं भी बी कोट पकड़े गए, जो लोग स्वयं भी पकड़े गए, इन द डेंजरियस स्नेयर, इस खतरनाक जाल में, जो व्यक्ति इस खतरनाक जाल में क्या हुए, पकड़े गए। पहले जो व्यक्ति इस खतरनाक जाल में पकड़े गए थे उन व्यक्तियों के बारे में भी क्या करता है, ये सोचता है कि यार अब इससे पहले वो व्यक्ति पकड़ा गया था, उसने ये बुरा काम किया गया था तब पकड़ा गया, ठीक है ना, उसने वो काम किया था तब पकड़ा गया। बाद में तो उसको जो सारी जो ट्रेजेडी होती है, जो दुखपूर्वक बातें होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। लेकिन फिर अब पछताने से क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई थी। तो वह उन व्यक्तियों को याद करता है जो इस खतरनाक जो स्नेयर जाल था इसमें पकड़े गए। एंड ऑफ अदर्स, और दूसरे, हु वर स्टिल, जो अभी भी सर्कलिंग अराउंड, अभी भी चक्कर लगा रहे हैं, सर्किल का मतलब तो चक्कर, अराउंड चारों तरफ, जो अभी भी चक्कर लगा रहे हैं, द बेट, जो उस लालच की वस्तु के कारण, जो लालच की जो वस्तु थी उस लालच की वस्तु के कारण जो अभी भी क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं।